पे लड़ रहे हैं, राज्यसभा निकल ही गई, एमएलसी की सीट ऑलरेडी चुनाव घोषित हो चुके हैं, आपके हिस्से में क्या आया दुबे जी? ब्रजेश जी, हम किसानों का भला करना चाहते हैं, किसानों का हित करना चाहते हैं, किसानों को सुविधाएं दिलाना चाहते हैं, और उन्होंने उसकी शुरुआत की। उन्होंने जो बरसों से एक मांग इस देश में चली आ रही थी, उस इस मांग को किसी ने पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने हमारे किसान मसीहा को सम्मानित करने का काम किया। देश के करोड़ों करोड़ों किसान, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सभी वर्गों के लोग इससे खुश हुए, और हमें भी लगा कि ये चौधरी साहब के सिद्धांतों की तरफ जा रहे हैं, चौधरी साहब के सिद्धांतों पर ये काम करना चाहते हैं, उनके सपनों का उत्तर प्रदेश, उनके सपनों का भारत ये बनाना चाहते हैं। तो हमने जो है सिद्धांत ही आपकी राजनीति का आधार है, आप कितने हमारा सिद्धांत उत्तर प्रदेश का किसान है, देश का किसान है, देश का पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, इस वर्ग को कैसे संख्यक को अपने में ना जोड़ो दुबे जी, हम अपने आपने लिस्ट में आप अल्पसंख्यक कहां से लिख लिया? हमारी लिस्ट में अल्पसंख्यक है, हमारी लिस्ट में हमने पूरे जो वहां का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा था उसको हमारे नेता ने बनाने का, बीजेपी के साथ हो अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, बीजेपी का हमसे कह रही है कि आप अल्पसंख्यक को छोड़ दीजिए, तो भाईचारा की एक सेकंड रुक तो जाओ, अरे रुक जाओ, समाज में भाईचारा बनाने थोड़ा रफ्तार रोको, सुनो तो, हम रखे हुए हैं, अरे हम समाज को बांटने का काम नहीं करने जा रहे हैं। सुन तो लो, जब से बीजेपी में आने की आहट आई है, एक मुझे कार्यक्रम बता दो कि कौन सा भाईचारा आप सम्मेलन किया है? अरे भी वो भी करेंगे, कौन सा करेंगे, आप एक भी बता दो नहीं कि आप कौन सा कार्यक्रम नहीं किया, करके दिखाओ एक भाईचारा सम्मेलन, हमारे सब कार्यक्रम करके दिखाओ, चुनौती दे रहा हूँ, हमारे साथ सारे नहीं कर पाओगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा पीयूष मिश्रा की बारी, उसको बोलने दो, अब रुक जाओ, लोकदल के नेता चौधरी जयंत, रुको, छह महीने के साथ बैठा, अगला आदमी कहीं कोई अगले आदमी की पार्टी।